मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.2 का बेसिक। क्यों सबसे पहले आपको बेसिक ही पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न हल करवाएंगे। क्योंकि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न जब हल करेंगे। और बेसिक में कितना पढ़ना है हम आपको मौखिक बता देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है सारिकों के गुणधर्म। सारिकों के गुणधर्म में आपको 6 गुणधर्म पढ़ना है, वन बाय वन आपको पढ़ा देंगे और अच्छे से आपको सीख लेना है। क्योंकि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नवाली 4.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे या उदाहरण आप लोगों को हल करवाएंगे। गुणधर्म क्या हमने बताया था, गुणधर्म कितने पढ़ना है आपको, 6 पढ़ना है, लेकिन जिसमें से हम आपको 5 पढ़ाएंगे। क्योंकि 5 से ही आपको समझ में आ जाएगा प्रश्नवाली 4.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे। क्योंकि 6 का ज़्यादा यूज नहीं है तो इसीलिए 5 तक ही आप लोगों को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको हम कुछ नोट पॉइंट बता देंगे जिससे प्रश्न जब भी हल करेंगे तो कुछ उनका यूज हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है गुणधर्म नंबर 1 और आपको हम मौखिक बता देते हैं उसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं। उसमें बताने वाले हैं किसी भी सारणी में स्तंभों की संख्या स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जो हमने बोला है वही यहाँ पर हम लिख भी देंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है गुणधर्म नंबर 1। किसी भी सारणिक में कामा इन्वर्टेड कामा में जो हमने लिखा है इसी को आप लोग अच्छे से सीख लेना है। पंक्तियों को स्तंभों में फिर इसी को हम चेंज करके लिख देते हैं, देखो कैसे, अथवा स्तंभों को पंक्तियों में। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कामा इन्वर्ट कामा, यहाँ पर इसका मीन्स एक ही बात है, पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है परिवर्तित कर दिया जाए मीन्स बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, मीन्स बदलेगा नहीं सारणिक का मान। तो आगे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट करते रहना है। तो सारणिक आप परिवर्तित रहता है, तो आप लोग अच्छे से इसे समझो। अभी नहीं समझ में आता है इसे तो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे उदाहरण से। क्योंकि गणित में क्या होता है, अगर आपको परिभाषा सीखना है, अगर उसका उदाहरण अच्छे से आप लोग सीख लो तो परिभाषा क्लियर हो जाती है। तो देखो हम उदाहरण से आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सारणिक, और सारणिक आपको पता है यहाँ पर 3x3 कोटि का लेते हैं। प्रश्नावली 4.2 की बात कर रहे हैं, जब भी प्रश्न को हल करवाएंगे तो वहाँ पर आपको 3x3 कोटि के ही सारणिक मिलेंगे, इतना याद रखना। तो गुणधर्म जितने हम आपको लिखवाएंगे और उदाहरण से आपको समझाएंगे उसमें क्या करेंगे, 3x3 कोटि का भी कोटि का ही सारणिक लेंगे। ठीक है, इतना याद रखना, 2x2 कोटि का सारणिक यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। क्योंकि प्रश्नावली 4.2 के जितने प्रश्न हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 3x3 कोटि के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सीखना है 3x3 कोटि का सारणिक, ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है, पंक्तियों को स्तंभों में।
तो इसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सिखा देंगे। ये क्या हैं पंक्तियाँ, तीन पंक्तियाँ हैं और कहता है स्तंभों में आपको परिवर्तित करना है, मीन्स बदलना है, तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो देखो हम चेंज करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में आपको लिखना है ए बी सी, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है डी ई एफ, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखना है जी एच आई। ठीक है, ये हमने आपको सिखाया अल्फ़ाबेट में, अभी अब ले लिए हैं साड़ी में। अब इसका हम सत्यापन भी आपको बता देंगे, क्योंकि इस साड़ी का मान जो निकलेगा वो इस साड़ी का मान सेम रहेगा, दोनों का सेम ही आंसर शीट निकलेगी। जैसे हम बताते हैं सत्यापन में, सत्यापन में हम आपको सिद्ध करवा देंगे ये जो गुणधर्म में लिखा है सत्य है या असत्य है। देखो तो हम तीन क्रास तीन कोटि का साड़ी लेंगे, ठीक है, 1200041112। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे, लेकिन पंक्तियों को स्तंभों में बताया है ऐसे करके, यहाँ से देख लो तो 041 फिर 112 ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब सत्यापन में क्या है, LHS की आंसर शीट निकालेंगे और RHS की निकालेंगे, सेम टू सेम ही निकलना चाहिए, क्योंकि तभी ये जो लिखा है सत्य होगा। तो आप लोग देख लो यहाँ पर LHS हम ले लेते हैं 1200041112 मीन्स 112। अब आपको प्रसार करना है, प्रसार करने से पहले हमने एक बात आपको बताई है कि जब भी प्रसार करो किसी भी साड़ी का, तीन क्रास तीन कोटि का ही होना चाहिए, तो उसके चिन्ह जरूर आप लोग ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चिन्ह ध्यान रखना है, तभी प्रसार हो पाएगा। तो किसी के सापेक्ष प्रसार करो, तो यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करके आपको बता रहे हैं कि इसकी आंसर शीट कितनी निकलेगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो पहले यहाँ से चिन्ह प्लस, तो पहले पद में अगर प्लस है तो लिखते नहीं, अगर माइनस होता तो हम ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, 1 लिखा, वो भी प्लस का, ठीक है। फिर आपको पता है ये अभी अब जो है इसका नाम भी पता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो छुपाना है आपको, फिर ब्रैकेट में लिखना है। देखो कैसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लेना है। अब ये आपको चार अभी अब दिख रहे हैं, इनका गुणा करना है कैसे, पहले इसका इसमें करना है गुणा, तो दो चाकू आठ, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करना है, एक आएगा, ठीक है। फिर जब दूसरा अभी अब लेना है ना, तो पहले माइनस यहाँ से आपको लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको दो ले लेना है यहाँ से अभी अब, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है। देखो कैसे, इसका पता है नाम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपको छुपाना है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये चार अभी अब आपको दिख रहे हैं 0112, इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि दो क्रास दो कोटि का जब प्रसार हमने आपको सिखाया है प्रश्नावली 4.1 में, ये तो प्रश्नावली 4.2 जो है हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 का जब बेसिक आपको हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था दो क्रास दो कोटि का जब साड़िक है तो उसका प्रसार कैसे करते हैं। तो आपको पता है ये अभी अब जो बचे हैं कैसे गुणा होता है, दो का जीरो में करेंगे जीरो आएगा, फिर माइनस वन का वन में गुणा करेंगे तो वन आएगा, फिर इसके बाद आपको तीसरा अभी अब लेना है, लेकिन पहले चिन्ह आपको लिख देना है, फिर उसके बाद आपको अभी अब जीरो लिखना है। जब जीरो मिल जाए तो हमने एक बात बताई थी आपको कि ब्रैकेट में कुछ ना लिखो, क्योंकि अगर ब्रैकेट में कुछ भी आए, कोई सी संख्या आए, अगर हम जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, तो इसीलिए मना करते हैं। जब भी जीरो अभी अब हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जीरो ही लिख देना है। फिर इसके बाद आपको पता है इसे हल करेंगे सात मिलेगा, इसे हल करेंगे प्लस का माइनस माइनस प्लस का दो मिलेगा, तो आंसर शीट कितनी आई, 9। तो जो आंसर शीट इसकी आई है वही इसकी आएगी, यही बोला है अपरिवर्तित रहता है साड़ी का मान, क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, मीन्स बदलता नहीं है। तो देखेंगे इस साड़ी का मान भी 9 ही निकलना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 101, फिर लिखेंगे 241, फिर यहाँ पे लिखेंगे 012, प्रसार करो R1 के सापेक्ष करो पहली पंक्ति के सापेक्ष,
प्रसार करने पर, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चिन्ह देख लो सबसे पहले, ठीक है। प्रसार जब भी करते हैं तो चिन्ह जरूर आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह का यूज करके ही प्रसार होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस पहले लिखते नहीं है, डायरेक्ट आपको बन लिख लेना है। अब बन लिखना है, अब इसे छुपाना है, फिर ब्रैकेट में लिखना है। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा, दो का चार में गुणा करेंगे आठ आएगा, माइनस एक का गुणा एक में करेंगे एक आएगा, फिर यहाँ से चिन्ह लिखना है माइनस, फिर जीरो लिखना है। अब जब जीरो है तो ब्रैकेट में हम नहीं लिखेंगे, क्यों, जीरो ही निकलेगा इसीलिए नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपको ये अभी अब लेना है बन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे चिन्ह लिख लेंगे, फिर आपको बन लिख लेना है ऐसे करके। अब बन है तो ब्रैकेट में आपको लिखना है, देखो कैसे बन जो है कहाँ पे है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ नहीं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है। तो ये चार अभी अब दिख रहे हैं, अब गुणा करके लिख देना है, एक का दो में गुणा करेंगे दो मिलेगा, माइनस जीरो का चार में गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, हल करेंगे सात मिलेगा यहाँ से, प्लस का दो मिलेगा तो नौ मिला। तो हमने यही बताया है, क्या बताया है, गुणधर्म फर्स्ट में किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में या लिखो चाहे अथवा लिखो, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जो आपको दिख रहा है इसकी भी आंसर फिर नौ आई है और इसकी भी नौ ही आई है, तो ये गुणधर्म सत्य है। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। अब आप लोग नोट करो, हम आपको गुणधर्म नंबर दो बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते रहा करो। अब आप लोग गुणधर्म नंबर दो डालो हेडिंग, तो यहाँ पर हम दो कर देते हैं, ठीक है, और इतना यही लिखा रहेगा किसी भी सारणिक में, यहाँ पे जो लिख दें वो आपको लिख लेना है, फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। दो पंक्तियों को यहाँ पे लिखा है, दो पंक्तियों, ठीक है, कामा इनवर्ट कामा में लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, दो स्तंभों, ठीक है, दोनों ही हम आपको बता देंगे इसका मीन्स क्या है। दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आप लोग लिख लो इतना, यहाँ पे लिखा है दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान इतना आपको लिखना है। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, जब भी आपको तीन क्रॉस तीन कोटि का साड़ी लेना है और उसमें क्या करना है, दो पंक्ति चाहे कोई सी आपको लेना है, चाहे पहली पंक्ति ले लो चाहे तीसरी पंक्ति ले लो, चाहे आपको दूसरी पंक्ति दिख जाए चाहे तीसरी पंक्ति, दो पंक्ति लेना है, उनको क्या करना है चेंज कर देना है, तो साड़ी का जो मान है मीन्स साड़ी का जो चिन्ह है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेट में आपको सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट में अभी अब लेके, तो यहाँ पर वही ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ, चाहे स्तंभ ले लो चाहे पंक्ति ले लो, तो हम बात करेंगे यहाँ से दो पंक्ति हम ले लेते हैं, तो हमने एक ले ली पहली और एक ले ली तीसरी, तो आपको ऐसे करके बता देना है R1 जो है चेंज हो जाएगा किससे,
R3 से अवयव बदल जाएंगे। R3 के अवयव जो हैं R1 में पहुंच जाएंगे और R1 के अवयव जो हैं R3 में पहुंच जाएंगे। तो देखो GHI यहाँ पे लिखना है और ABC यहाँ पे लिखना है और इसे ऐसे ही लिखना है दूसरी पंक्ति के अवयव DEF। और आपको ये भी पता है कि परिवर्तित हो जाता है, क्या परिवर्तित हो जाता है, साड़ी का चिन्ह। तो देखो यहाँ पर साड़ी का जो चिन्ह है प्लस है, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, ये जो साड़ी के प्लस है तो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे लिखा है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, मीन्स बदल जाता है। और भी देख लो, ठीक है, चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिखा देते हैं। जैसे अगर यही हम माइनस का ले लें और यही लिख दें ABCDEFGHI, ठीक है, अल्फ़ाबेट में अभी आपको सिखा रहे, फिर आपको सत्यापन भी बताएंगे, क्योंकि आंसर सीट तो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। जब भी बराबर होता है इसका मतलब होता है जो यहाँ पे है वही यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब है कि मान निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, तो सत्यापन भी करवाएंगे। तो पहले आपको सिखाते हैं साड़ी का चिन्ह जो होता है परिवर्तित हो जाता है, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब बात करेंगे दो स्तंभों की, पंक्तियों से आपने सीख लिया है, दो स्तंभ ले लो, कोई से ले लो, चलो हम C2 और C3 ले लेते हैं। तो C2 चेंज होगा किस में, C3 में, इसका मतलब ये होता है C2 के अभी अब पहुँच जाएंगे C3 में और C3 के अभी अब पहुँच जाएंगे C2 में और C1 के अभी अब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखो कैसे आपको चेंज कर लेना है, CFI यहाँ पे आ जाएगा और ये BEH यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अगर हम दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को अगर हम परिवर्तित कर दें तो साड़ी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, मीन्स अगर प्लस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का है तो प्लस का आएगा, ठीक है। अब आपको हम किस में सिखाएंगे, संख्याओं में अवयव लेके, तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, सत्यापन इसका आप लोगों को देख लेना है। सत्यापन में हम ले लेते हैं 102304110, ठीक है, यहाँ पर चाहे पंक्तियों से सीख लो, चाहे दो स्तंभों से सीख लो, चाहे जैसे सीखो। तो हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी पंक्ति हम चेंज कर देंगे, अगर साड़ी प्लस का है तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 के अभी अब पहुँच जाएंगे R3 में और R3 के अभी अब पहुँच जाएंगे R2 में, तो R1 के अभी अब सेम रहेंगे जहाँ पर हैं, ठीक है, केवल अभी अब बदलेंगे जिसमें आप काम कर रहे हो। तो हम काम कर रहे हैं दूसरी पंक्ति के अभी अब तीसरी पंक्ति में पहुँचाएँगे और तीसरी पंक्ति के अभी अब दूसरी पंक्ति में पहुँचाएँगे, तो 110 तो 304, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगर प्लस का है तो हमने बताया है माइनस आएगा। अब सत्यापन में यही होता है कि LHS ले लो, आंसर शीट सेम निकलना चाहिए, तो ये गुणधर्म जो दो है सत्य है, नहीं तो असत्य होगा और सत्य ही निकलेगा, ठीक है। ये गुणधर्म जो है हम लिख रहे हैं किताब से ही लिख रहे हैं, आपके पास बुक होगी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 102304110, अब आपको प्रसार करना है, चलो R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर लेते हैं, प्रसार करने पर, ठीक है, तो आप लोग पता है प्रसार जब भी करते हैं तो चिन्ह जरूर ध्यान में रखते हैं, तो पहला प्लस का होता है ना, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 1 लिख लो, फिर आपको छुपाना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसमें गुणा करेंगे माइनस 1 का 4 में करेंगे गुणा तो 4 आएगा, फिर 0 लिखना है माइनस का, ठीक है, और 0 जब भी आता है तो ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी संख्या आएगी 0 ही, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो इसीलिए ब्रैकेट में हम नहीं लिखते हैं, जब भी अभी अब 0 मिल जाए साड़ी में।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस लिखना है और यहाँ पे दो लिख देना है। अब इसे छुपाओगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, छुपा लिया, वन का थ्री में गुणा किया थ्री मिला और वन का जीरो में गुणा किया तो जीरो मिला। अब यहाँ से माइनस का फोर आएगा, यहाँ से प्लस का छः, ठीक है, दो तिया छः तो प्लस का दो मिला। अब आपको आर एच एस की आंसर शीट निकालना है, इतनी ही निकलेगी, तो आर एच एस देख लो आप लोग। तो यहाँ से हम लिखेंगे 102110304। अब प्रसार करना है आपको आर वन के, और माइनस ज़रूर आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो चिन्ह जरूर आप लोग ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। ठीक है, पहला चिन्ह प्लस का आएगा, लिखते नहीं है, यहाँ पर वन लिखेंगे, ठीक है, और ये माइनस पहले से आप लोगों को लिख लेना है, वन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है, छुपाना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा लेना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया, चार का गुणा एक में करेंगे चार मिलेगा, फिर माइनस के बाद में जीरो का गुणा जीरो में करेंगे कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये चिन्ह दिख रहा है माइनस, ठीक है, लिख लेना है, फिर जीरो लिखना है। अब ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो जब यहाँ पर आपको समझाया ना वैसे ही है। अब आपको यहाँ से प्लस का दो लिख लेना है क्योंकि चिन्ह यहाँ से और अभी अभी यहाँ से, फिर ब्रैकेट में देखो कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है ऐसे करके। तो आपको ये चार अभियव दिख रहे हैं, इनका गुणा करना है। चार अभियव का मतलब है, हम आपको बता देते हैं, ये दो क्रास दो कोटि का साड़ी का है। प्रसाद तो जानते हो कैसे करते हैं, जीरो का वन में गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, तीन का एक में गुणा करेंगे तो हमें प्लस का तीन मिलेगा, और ये माइनस आपको पता है कैसे आता है, जब इसका इसमें इंटू करते हैं। ठीक है, अब रफ कर देते हैं, अब यहाँ पर देखो यहाँ से फोर मिलेगा, वहाँ से माइनस का दो तिया छः मिलेगा। अब इसे हल करेंगे तो माइनस का दो मिलेगा ब्रेकेट में, माइनस माइनस कितना होगा प्लस का दो, तो इसकी आंसर शीट देखो दो निकली है और इसकी भी दो निकली है, तो एल एच एस बराबर क्या आया आर एच एस, ये सत्यापन होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो ये गुणधर्म आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम आपको बताते हैं इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बताया है किसी कोई भी साड़ी ले लो आप, क्या करो दो पंक्तियों या दो स्तंभों को चेंज करो। जब भी चेंज करते हैं साड़ी का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, मीन्स अगर साड़ी प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। लेकिन इतना याद रखना आप लोग कि जब भी आंसर शीट निकालेंगे तो सेम निकलेगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है ना, इसीलिए। तो इसे भी हम रफ कर देते हैं। अब आपको गुणधर्म नंबर तीन हेडिंग डाल लेना है, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं गुणधर्म नंबर तीन, क्योंकि गुणधर्म एक आपको हम पढ़ा चुके हैं, गुणधर्म दो पढ़ा चुके हैं, अब गुणधर्म आपको तीन पढ़ाएंगे। इसी में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इतना तो लिखा रहेगा किसी भी साड़ी में, दो पंक्तियाँ यहाँ पर पंक्तियाँ आपको लिखना है, दो स्तंभ, जितना चेंज कर रहे हैं इतना ही आपको चेंज करना है। अब इसके बाद जो लिखेंगे उसको आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी साड़ी में दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ, समान हो तो साड़ी का मान शून्य होता है, ठीक है। अल्फाबेट में आपको पहले हम सिखाएंगे अभी अब लेके, जैसे ए बी सी ले लिया, ठीक है, तो ए बी सी और यहाँ पर कुछ भी लिख लो डी ई एफ, तो यहाँ पर देखो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यहाँ पर पहले हम पंक्तियों सिखा देंगे आपको, यहाँ पे लिखा दो पंक्तियाँ अथवा दो स्तंभ, पहले पंक्ति आपको सिखा देंगे फिर उसके बाद स्तंभ भी सिखाएंगे।
मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, समान हूँ। समान का मतलब होता है कि एक जैसे अवयव हों। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति क्या है, एक जैसी है ना। जब भी इस प्रकार का आपको सारिक मिल जाए तो आंसर शीट क्या लिख देना, जीरो लिख देना। तो देखो यहाँ पर हम ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी यहाँ पर भी लिख देते हैं, क्योंकि पहली और तीसरी पंक्ति ठीक है एक जैसी है ना, तो आंसर शीट क्या आएगी, जीरो ही आएगी। अब आपको स्तंभ में सिखाते हैं। चलो एक और देख लो पंक्ति में, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पे डी ई एफ है। चलो यहाँ पे डी ई एफ कर लो, तो यहाँ पर आपको दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम टू सेम दिख रही है, तो आंसर शीट डायरेक्ट आपको लिख देना है। जब भी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न हल करवाएंगे तो ये आपको सीख लेना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पंक्तियों के लिए ये हमने बताया है आपको अल्फ़ाबेट में, अभी अब जो हमने लिए हैं पंक्तियों के लिए आपको दिखाया है। अब आपको स्तंभों के लिए बता देते हैं। जैसे ए बी सी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर भी ए बी सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ देखो, पहला और तीसरा स्तंभ एक जैसा है ना, तो एक जैसा अगर है और हर एक अभी अब एक जैसे हैं तभी तो एक जैसे होते हैं, तो आंसर शीट आपको डायरेक्ट लिख देना है जीरो। फिर देखो यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, अब यहाँ पे देखो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ एक जैसा आपको दिख रहा है, तो क्या बताया है, सारिक का मान शून्य होता है। और देख लो ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ, तो यहाँ पर भी देखो तो आपको दिख रहा होगा दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा है ना। तो जब भी आपको दो पंक्ति या दो स्तंभ एक जैसे दिख जाएं तो डायरेक्ट आंसर शीट क्या लिख देना, जीरो लिख देना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्तंभों के लिए, ये जो हमने समझाया है स्तंभों के लिए ठीक है। अब आपको हम इसका सत्यापन भी बताएंगे कि आंसर शीट कैसे जीरो आती है, आप लोग नोट करते रहा करो, ये जो लिखाया है नोट कर लेना। इसके बाद आपको हम सत्यापन बताएंगे कि कैसे आंसर शीट जीरो आती है। तो आप लोग हेडिंग डालो सत्यापन, तो एक हम क्या करते हैं साड़ी ले लेते हैं 3x3। अब आपको सत्यापन में संख्याओं में अभी अब लेके बताएंगे, 1 2 3 1 2 3 0 1 1 ठीक है। इसकी आंसर शीट क्या लिख दी, जीरो लिख दी, क्योंकि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या है एक जैसी है ना, तो आंसर शीट जीरो आएगी। तो आपको LHS ले लेना है, क्योंकि सत्यापन में क्या होता है LHS आपको लेके चलना है, और यहाँ पर RHS ऑटोमेटिक निकल आएगा। जब नहीं निकलता है ना तो RHS की आंसर शीट निकालते हैं, तो LHS और RHS की आंसर शीट अगर सेम टू सेम आती है तो क्या है, जो भी गुणधर्म है वो सत्य है। तो यहाँ पर LHS की आंसर शीट हम निकालेंगे और ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे 1 2 3 लिखना है और 0 1 1 लिखना है, 1 2 3 लिखना है, प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष, प्रसार करने पर ठीक है। तो R1 के सापेक्ष जब भी प्रसार करेंगे तो चिन्ह आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है। प्रसार करेंगे पहला अभी अब उठा लेंगे और प्लस जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले पद में अगर आगे प्लस है तो लिखा नहीं जाता है, माइनस होता तो ज़रूर हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाना, गुणा करो 3 × 3 माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। इसके बाद आपको माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो अभी अब हमें यूज़ करना है पहली पंक्ति के। तो यहाँ पर 1 हमने लिख लिया, 2 अब लिखेंगे, इसका ब्रेकेट आपको
लिखना है कैसे देखो हम आपको बता देते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, तीन का गुणा जीरो में करेंगे जीरो मिलेगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक मिलेगा, फिर आपको प्लस लेना है, फिर आपको अवयव लिख देना है, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है तीन जो है इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ आपको छुपा लेना है। देखो कैसे, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाएंगे, ये चार अभी बचे हैं इनका गुणा करो, दो का जीरो में करेंगे जीरो मिलेगा, माइनस वन का वन में गुणा करेंगे तो वन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है, हल करेंगे। यहाँ से माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का दो, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तीन एकन तीन, तो आपको पता है कि तीन में से तीन जाएगा कितना मिलेगा जीरो, तो ये आंसर शीट आ गई है RHS। तो ये आपको सत्यापन हमने बताया है, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है गुणधर्म में वो सत्य है, तो अगर सत्य नहीं होता तो आंसर शीट जीरो नहीं आती, तो आपको याद रख लेना है। दो पंक्ति अगर एक जैसी हो आंसर शीट जीरो आएगी, या दो स्तंभ एक जैसे हो तो आंसर शीट जीरो आएगी, ये सत्यापन में हमने आपको दिखा भी दिया है। अब आपको हेडिंग डाल लेना है गुणधर्म चार, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, हेडिंग डालो आप लोग गुणधर्म चार, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चार, लिखो किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या चाहे या लिखो चाहे अथवा लिखो, ठीक है, दोनों में से एक लिख लो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, हम एक पंक्ति में देखेंगे जो भी करेंगे, अथवा एक स्तंभ किसी भी सारणिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ तो यहाँ पर हमने गुणधर्म चार लिख दिया है। अब आपको हम पढ़ के भी बता रहे हैं, किसी भी साड़ी में, इसका मतलब है कोई सा साड़ी ले लो, लेकिन लेना आपको तीन क्रास तीन कोटि का है, क्योंकि प्रश्न वाली 4.2 के जितने प्रश्न हैं चाहे उदाहरण की बात करें तो तीन क्रास तीन कोटि के ही साड़ी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तीन क्रास तीन कोटि का साड़ी लेना है। और इसमें बोला एक पंक्ति हो चाहे एक स्तंभ, मतलब तीन पंक्ति हो, तीन पंक्ति होती हैं और तीन स्तंभ होते हैं, ये तो आप लोग जानते हो तीन क्रास तीन कोटि के साड़िक में, लेकिन बात कर रहे हैं एक पंक्ति, तो उसमें तीन पंक्ति में एक पंक्ति में आपको देखना है। ऐसे यहाँ पर एक स्तंभ, तो तीन स्तंभ होते हैं तो एक स्तंभ में क्या होगा, देखो लिखा है कि प्रत्येक अवयव में एक पंक्ति कोई सी हो सकती है, एक स्तंभ कोई सा हो सकता है, उसमें जो अवयव होते हैं बोला गया अचर के से गुणा कर दिया जाए, अचर के आपको पता है संख्या ही है, चाहे दो ले लो चाहे माइनस वन ले लो कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे ले लिया है, के से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी का मान के से गुणित हो जाता है। अब आपको ये सीखना है गुणित हो जाता है, देखो हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पर हमने के से गुणा कर दिया, मतलब इतना आपको अगर मिल जाए कहीं मिल जाए प्रश्न में, प्रश्न वाली 4.2 की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा कहीं मिल जाए आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, आपको एक जैसा अगर दिख जाए तो कॉमन ले लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है हमने कहाँ से कॉमन लिया, पहली पंक्ति से, ठीक है, तो यहाँ पर के चला गया, ए बचा यहाँ पर, के चला गया बी बचा, यहाँ पर के चला गया सी बचा, अब ये ऑटोमेटिक आपको लिख लेना है डी ई एफ जी एच आई,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा के से गुणित हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं गुणित, मतलब गुणा हो जाता है के का। तो किस में हो जाता है? साढ़े के मान में। तो यहाँ पे लिखा साढ़े का मान के से गुणित हो जाता है। जैसे इसका मान अगर कुछ भी निकले, कुछ भी निकले, तो उसमें क्या होता है? के का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पंक्ति हो, एक पंक्ति में या एक स्तंभ में आपको एक जैसा दिख जाए तो कॉमन ले लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना है और अवयव लिख देना है इसके। तो इसी को बोलते हैं कैसे गुणित हो जाता है। चलो ये तो बात है पंक्ति की, चलो एक स्तंभ से भी सिखा देते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चलो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दूसरे स्तंभ में कर दिया हमने कैसे गुणा। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है, फिर कॉमन लेने के बाद में आपको यहाँ से के हटा देना है, क्या आएगा वी ई एच आएगा, और पहला स्तंभ ऐसे लिखो ए डी जी, और तीसरा स्तंभ सी एफ आई, ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये पंक्ति के लिए हमने बता दिया, ये स्तंभ के लिए। ठीक है, यहाँ पर कामा इन्वर्ट कामा में आपको दिख रहा होगा एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर के से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव में के से गुणा दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कामन ले लिया। अब कुछ इसमें आपको सीख लेना है, जैसे हमने कामन लिया पहली पंक्ति से लिया, अगर बात करेंगे हम अवयव की, जैसे के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, ये अवयव है। अवयव में क्या होता है कि अगर कॉमन आपने लिया तो हर एक अवयव में कॉमन लिया जाता है अवयव में, लेकिन साड़िक में किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में कॉमन लेना, इतना अंतर है। जैसे अवयव में सारे अवयवों में हम देखते हैं कॉमन, तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए वी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इतना कॉमन है, ध्यान रखना आप लोग। अवयव में क्या होता है, गुणा अगर करेंगे तो सभी अवयवों में गुणा होता है, और जब हम कॉमन लेते हैं तो सभी अवयवों में कॉमन लेते हैं, लेकिन साड़िक में ऐसा नहीं होता है। साड़िक में एक पंक्ति से या फिर एक स्तंभ से, चाहे वो कोई सा स्तंभ हो चाहे कोई सी पंक्ति हो, आपको कॉमन लेना है एक पंक्ति से, चाहे कोई सी हो सकती है। तो हमने पहली पंक्ति से कॉमन ले लिया, तो इसे तो ऐसे लिखा है, लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है, अवयव में अलग होता है। अगर हम के से गुणा कर दें हर एक अवयव में होगा गुणा, तो इतना आएगा। अगर हम के से गुणा कर दें हर एक अवयव में नहीं होगा, चाहे आप पहली पंक्ति में कर लो, चाहे दूसरी पंक्ति में, चाहे तीसरी पंक्ति में, चाहे आपको पहले स्तंभ में गुणा करना है चाहे दूसरा करना एक में है। ठीक है, इतना अंतर है, आपको हमने समझा दिया है। तो अल्फ़ाबेट में आपको समझ में आ गया। अब आपको हम सत्यापन बताएंगे। तो ये आपको हमने इसलिए बताया है, कॉमन ध्यान रखना अभी और साड़िक में। अभी पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है पार्ट तीन अभी, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंप्लीट, देख लेना, तैयार कर लेना। अब सत्यापन देखो, इसका सत्यापन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सत्यापन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गुणधर्म चार में जो लिखा है सत्य है, देखो कैसे, तो सत्य है, तो सत्यापन देख लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू प्लस का वन, ठीक है, जीरो प्लस का टू, सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे वन है तो यहाँ पर भी वन, फाइव प्लस का वन, ठीक है, जो भी यहाँ पर प्लस हो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे के अभी हमने बताया था अल्फ़ाबेट में, जब अभी अब लिए थे तो के क्या है, सेम टू सेम था। तो यहाँ पे आप लिख लो थ्री टू वन जीरो फोर जीरो, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, वन के स्थान पर हम पाँच लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर गुणा करके लिखो, प्लस नहीं था ना, गुणा था। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति से कॉमन ले लिया पाँच। ठीक है, अब यहाँ पर दो,
और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पाँच। ठीक है, चाहो तो आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, दस मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे पच्चीस मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगा। तो आपको पहली पंक्ति से कामन ले लेना है, पाँच का पाँच कामन ले लेना है। तो पाँच ले लिया, पाँच दूनी दस, यहाँ से लिया तो जीरो में सब कुछ मिलता है। ठीक है, चाहे पाँच होता है तो पाँच मिलेगा, दस होता है तो दस मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने पाँच कामन लिया पच्चीस। अब ये आप लोग ऐसे लिखो, 321 जीरो। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब आपको सत्यापन में भी सिद्ध करना है, इसकी आंसर ही, इसकी आंसर ही दोनों की सेम ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 10 0 25 3 2 1 0 4 0। अब आर वन के सापेक्ष प्रसार कर लो, तो आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लेना है। तो जीरो का दो में गुणा करेंगे, जीरो आएगा। फिर माइनस के बाद में चार का एक में गुणा करेंगे, चार आएगा। फिर माइनस का जीरो, क्योंकि चिन्ह आपको हमने बताया है कि चिन्ह ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस ज़रूर लिखेंगे, दूसरा भी अब है ना। तो जीरो के लिए ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आपको प्लस लिखना है, प्लस के बाद में ये अभी 25 है ना, 25 लिखना है ब्रैकेट में। अब आपको लिखना है 25 जो है कहाँ पे है, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, छुपाना है आपको पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है। आपको गुणा करना है, ये चार अभी अब आपको दिख रहे हैं, गुणा करना है। चार का तीन में गुणा किया 12 मिला, माइनस जीरो का दो में गुणा किया कितना मिला, जीरो मिला। ठीक है, अब आपको हल करना है, यहाँ पर देखो कितना मिलेगा। तो गुणा करेंगे तो माइनस का 40 मिलेगा, यहाँ पर देखो 25 का 12 में गुणा करो, 25 दूना 50, 50 की 0 5 हासिल, 25 सेकंड 25, 25 और 5 30। ठीक है, 300 में से आपको 440 घटाना है, 260 मिलेगा प्लस का। अब आपको आरएचएस लेना है, आरएचएस देखो यहाँ पे 5 आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको अभी अब लिखना है 205 205 321 0 40। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको प्रसार करना है, आंसर ही 260 ही आएगी। ठीक है, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह आपको पता है। ठीक है, पहला प्लस का होता है। अब आपको ब्रैकेट में लिखना है, दो लिख लिया अभी, अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छपाना है। जीरो का दो में गुणा करेंगे, जीरो मिलेगा, चार का एक में गुणा करेंगे तो माइनस का चार आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जीरो मिलेगा और चिन्ह तो याद है, यहाँ से देखो दूसरा चिन्ह माइनस होता है, तीसरा प्लस का होता है। अब आपको पाँच लिखना है, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है पाँच कहाँ पे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है। अब आपको गुणा करना है, चार तीनों 12। ठीक है, माइनस जीरो का दो में गुणा करेंगे, जीरो मिलेगा, ब्रैकेट लगा लो तो पाँच, यहाँ पे कितना आया, दो चाकू 8, 12 पंचे 60 प्लस का तो 5। अब आपको ब्रैकेट में कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। अब आपको गुणा करना है, पाँच दूनी 10 की 0 एक हासिल, पचम 25 और एक 26, 260 आंसर शीट आई है। तो इसकी भी आंसर शीट 260 निकली, इसकी भी निकली। तो ये क्या है, गुणधर्म जो लिखा हुआ है सत्य है। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS, यहाँ पे देख लो आप लोग। ठीक है, तो हमने समझा दिया है पंक्ति से, तो आप लोग स्तंभ से अपने आप सीख लेना है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको गुणधर्म 5 लास्ट है, गुणधर्म 5 इसे आप लोग नोट करते रहा करो। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गुणधर्म 5। गुणधर्म 5 में क्या करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो लिखा है यही लिखा रहेगा,
किसी भी शारीरिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ। यहाँ पर हम मौखिक आपको ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, एक शारीरिक होगा उसके हम क्या कर देंगे, दो शारीरिक में कन्वर्ट करेंगे, एक शारीरिक से दो शारीरिक कन्वर्ट करना है, तो गुणधर्म पांच होता है। तो हिंदी में हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कैसे आपको लिखना है, किसी भी शारीरिक में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ। एक पंक्ति हो चाहे एक स्तंभ हो, उसमें प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल में आपको दिख रहा होगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति हो, जैसे तीन पंक्ति होंगी और तीन स्तंभ होंगे, तीन क्रास तीन कोटे में, लेकिन एक पंक्ति या एक स्तंभ की बात कर रहे हैं, चाहे कोई सी पंक्ति हो सकती है, चाहे कोई सा स्तंभ हो सकता है। यहाँ पे लिखा है चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ, प्रत्येक अवयव यहाँ पे लिखा है, मैं प्रत्येक अवयव, क्योंकि आपको पता है पंक्ति में क्या होते हैं, अभी अभी होते हैं, तो दो पदों के योगफल में व्यक्त हो, प्रत्येक अवयव दो पदों में, दो पदों के योगफल में व्यक्त हो, तो यहाँ पे विराम आपको लगाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो साड़ी को दो साड़िकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने हिंदी लिखी है, तो हमने पहले ही बताई है, इसका जो भी मतलब है हमने पहले ही बताया है आपको, क्या बताया है, एक साड़िक से दो साड़िक में आपको कन्वर्ट सीखना है। यहाँ पे देखो कैसे अल्फ़ाबेट में पहले बताते हैं, यहाँ पे यही लिखा है, एक पंक्ति तीन में से कोई सी हो सकती है, एक स्तंभ तीन में से कोई सा हो सकता है, प्रत्येक अवयव दो पदों के, यहाँ पे साफ साफ लिखा है दो पदों के योगफल में व्यक्त हो, ये ध्यान रखना है, हर एक अवयव दो पदों का होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, के प्लस ए, यहाँ पे पी कर लिया, और यहाँ पे क्यू कर लिया, और यहाँ पे आर कर लिया, ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया, जी जी एच आई हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में हमने क्या ले लिए, अवयव ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हमने एक पंक्ति में कितने पद ले लिए, दो पद प्रत्येक अवयव में, फिर आपको यहीं से कन्वर्ट करना है एक साड़िक से दो साड़िकों के योगफल में। देखो कैसे, योगफल का मतलब जानते हो आप लोग, कि दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो ये प्लस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी क्यू आर लिख देना है और वहाँ पर ए बी सी लिख देना है, ए बी सी ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से हमने तोड़ दिया पहली पंक्ति से, अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति आपको सेम टू सेम लिखना है, डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। ये तो हमने बताया है पंक्ति, अब स्तंभ से भी सीख लो, अगर बात आती है स्तंभ की, कोई सा ले लो एक स्तंभ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्या कर दे हैं, पी क्यू आर,
अब आपको हम सिखाएंगे स्तंभ से, कोई सा ले सकते हो तीनों से। तो अल्फ़ाबेट में हमने ये अभी अब ले लिए, अभी आपको हम संख्याओं में भी सत्यापन, संख्याओं में अभी अब लेके सत्यापन बता देंगे। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो BEH, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BEH, और दूसरे साड़ी में आपको PQR लिखना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया, पहला स्तंभ ऐसे लिखो ADG, यहाँ पर भी लिखो और ADG यहाँ पर भी लिखो, ठीक है। अब आपको तीसरा स्तंभ दिख रहा है CFI दिख रहा है, तो CFI आपको दोनों में लिख लेना है, CFI, ठीक है। तो गुणधर्म पाँच में आपको डायरेक्ट ये सीख लेना है, ये हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही बताया है, आपको अच्छे से समझना है। जब ये सब आप लोग सीख जाओगे तो प्रश्नावली 4.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे ना तो आपको समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक साड़िक से दो साड़िकों में कन्वर्ट करना, एक साड़िक को दो साड़िकों में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं, अब आपको हम संख्याओं में अभी अब लेके और सत्यापन बता देंगे। सत्यापन का मतलब यही होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा है सत्य है या असत्य है, जो भी हमने बताया, तो सत्यापन में हम आपको दिखा देंगे ये सब कुछ जो है सत्य है। वन प्लस का टू, थ्री प्लस का ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, फोर वन वन, वन टू थ्री, ठीक है। अब आपको यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। वन थ्री ज़ीरो यहाँ पे लिखना है और बाद में जो लिखा है ना 200 यहाँ पे लिख देना है, फिर इसके बाद में आपको 411 दोनों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरी पंक्ति देखो 123 आपको दोनों में लिखना है, लिख लिया। अब आपको पता है कि एक साड़ी से दो साड़िकों में, एक साड़ी को दो साड़िकों में कन्वर्ट करना सत्य है या असत्य है, तो LHS की और RHS के आंसर निकालेंगे अगर सेम आए तो सत्य है, और सत्य ही है जो भी हम गुणधर्म पढ़ा रहे हैं सारे के सारे क्या हैं सत्य हैं। तो सत्यापन में और सीख लेना है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो 1 प्लस का 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस का 0 है, यहाँ पे 0 प्लस 0 है, यहाँ पे देखो 4 1 1 है, 1 2 3 है। थोड़ा सा हल करेंगे इसे, क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 0, 4 1 1 1 2 3। अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है, किसके सापेक्ष करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, आंसर सीट ही तो निकालना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 330, तो चिन्ह तो ज़रूर याद रखना आप लोग ऐसे करके, क्योंकि चिन्ह का यूज करते हैं ना इसीलिए। तो पहला अभी अब आपको पता है प्लस का 3, ठीक है, प्लस लिखते नहीं हैं। अब आपको पता है ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है, 3 है ना, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है। ये 4 अभी अब आपको दिख रहे हैं, गुणा करके लिखना है, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर आपको माइनस यहाँ से लिखना है और अभी अब यहाँ से लिखना है, फिर आपको छुपाना है। ये अभी अब जो है दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में नहीं है, दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाओ। अब आपको 4 अभी अब दिख रहे हैं, गुणा करेंगे, 3 चौक 12, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको प्लस लिखना है यहाँ से, ठीक है, फिर आपको अभी अब लिखना है 0। अब 0 आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये तो जानकारी आपको हो गई है। अब हल करेंगे, देखो कितना मिलेगा यहाँ से, 3 एकम 3, 11 बचेगा, 11 3 33, वहाँ पे 0 है प्लस का ना लिखो,
तो माइनस का कितना मिला, 30 मिला। तो LHS की आंसर रेट कितनी आई, 30 आई है। अब आपको RHS की निकालना है, 30 ही आएगी माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं RHS, एक सौ तीस, 411, 123 प्लस 200411 फिर 123। अब आपको अलग अलग प्रसार करना है, ठीक है, करना R1 के ही सापेक्ष, R1 के सापेक्ष करो, क्योंकि मान ही तो निकालना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो चिन्ह आपको पता है, ठीक है, छुपाएंगे, गुणा करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। 3 चौक 12 माइनस का 1, फिर लास्ट में 0 मिलेगा। यहाँ से देखो प्लस, तो 2 मिला, ठीक है। इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छुपाओ, गुणा करो, 3 एकम 3 माइनस का 2, फिर 0 माइनस का प्लस का 0, ठीक है। क्योंकि 2 अभी अब क्या है, 0 है ना, तो आपको पता है जब 0 आ जाए तो ब्रैकेट में लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो 1 मिलेगा, यहाँ पे 11 3 33, ठीक है, और प्लस का वहाँ से देखो 2 एकम 2, तो जोड़ेंगे 2 और 1 3, 33 में 3 गया माइनस का 30, तो आंसर रेट सेम आ गई, आ गई ना, LHS इक्वल RHS। तो ऐसे करके आपको सीख लेना है सत्यापन। अब इसको हम रफ कर देते हैं, गुणधर्म 5, पांचों गुणधर्म आपको बता दिए, कुछ नोट आपको याद रखना है जो भी यहाँ पे हम लिखा दें। गुणधर्म तो सारे के सारे हो गए, अब नोट में आप लोग देख लो, याद रखना है जो भी हम यहाँ पे लिखा दें, क्योंकि नोट का मतलब यही होता है कि याद रखिए। प्रश्न वाली 4.2 के जब प्रश्न हल करवाएंगे ना तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए बोल रहे हैं। बात करेंगे हम 3 × 3 = 21 का, तो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5 9 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1, ठीक है, आंसर शीट 0 ही आपको रख देना है। क्योंकि तो इसका मतलब ये होता है किसी भी पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में सारे के सारे अगर अभी अब 0 है तो आंसर शीट 0 रख देना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके और भी देख लो, जैसे अगर 5 9 2 0 0 0 6 माइनस का 11 फिर 2 यहाँ पर ऐड कर लो, तो ये स्तंभ में सारे के सारे अभी अब आपको दिख रहे हैं 0, और इसमें पंक्ति में दिखे, तो ऐसे कहीं दिख जाए डायरेक्ट आंसर शीट 0 लिख देना है, ठीक है। प्रसार नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको 4G ट्रिक से भी आपको बताया है, प्रश्नावली 4.1 का जब बेसिक पढ़ाया ना तो हमने वहाँ पे बताया आपको, कुछ ऐसे साड़ी होते हैं जिसकी डायरेक्ट आंसर शीट पता होती है, तो अगर ऐसा दिख जाए तो हम प्रसार नहीं करते हैं। चलो और भी देख लो, यहाँ पे कर देते हैं 0 0 1 2 माइनस 5 - 11 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे 0 दिख रहे हैं, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में। एक पंक्ति की बात कर रहे हैं और एक स्तंभ की, चाहे एक पंक्ति के सारे अभी अब 0 हों चाहे एक स्तंभ के, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 ही आएगी। बताओ इसकी आंसर शीट क्या आएगी, 0, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब प्रसार की हम ट्रिक बताते हैं, 3 × 3 कोटि के साड़ी का प्रसार, तीन क्रास तीन कोटि के साड़ी का प्रसार करने से पहले क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या आपको देखना है,
जैसे प्रश्नावली 4.2 पढ़ा रहे हैं, ये प्रश्नावली 4.1 जो है कंप्लीट हो गए, तो वहाँ पे हमने प्रसार से आपको साड़ी के मान ज्ञात करवाए। लेकिन कुछ ट्रिक भी है कैसे यहाँ पर आपको सिखा देते हैं। तीन क्रास तीन कोटि के साड़ी का प्रसार करने से पहले देखो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कम से कम साड़ी का प्रसार करने से पहले आपको देखना है किसी भी एक पंक्ति किसी भी एक स्तंभ में कम से कम दो शून्य हैं, कम से कम दो शून्य हैं तो उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कम से कम दो शून्य, इसे अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में आपको कम से कम दो जीरो दिख जाएं, अभी अभी बात कर रहा है, तो जिसमें आपको दो जीरो दिख जाएं उसी के सापेक्ष आपको प्रसार कर देना है। तो यहाँ पे लिखा भी है उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए। तो कुछ हमने यहाँ पे ट्रिक आपको बता दी है प्रसार करने के। प्रश्नावली 4.1 में हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि रूल जो है यहाँ पर है प्रश्नावली 4.2 में। अब आपको हमने ये रूल सिखा भी दिया है कि कम से कम अगर दो जीरो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में दिख जाएं तो उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, तो कम समय में आंसर शीट आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको प्रसार में बताया जब भी जीरो मिल जाता था, अभी अब तो उसके लिए हम ब्रैकेट में नहीं लिखते थे, बताया था या नहीं, तो डायरेक्ट आपको पद जीरो ही दिख जाता है, इसीलिए आपको प्रसार करना है लेकिन आपको देख लेना है। प्रश्नावली 4.2 में जब भी हम किसी भी प्रश्न को हल करवाएंगे और जब भी प्रसार करेंगे तो आपसे पूछ लेंगे हम किसके सापेक्ष प्रसार करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया है कम से कम दो शून्य अगर हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में तो उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना चाहिए, तो कम समय में प्रश्न हल हो जाता है। तो प्रश्नावली 4.2 के जो भी हमने यहाँ पर आपको बेसिक में बताया, हमें आपको यही कहना है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर अच्छे से तैयार कर लोगे तो प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न ऑटोमेटिक हल होने लगेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न हल करवाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, घंटा ज़रूर बजा दिया करो, क्यों घंटा बजाने से यही फ़ायदा है कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्ट एक से लेकर पार्ट 13 तक आप लोग तैयार करना है और हम आपको तैयार करवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर की बात करते हैं तो पेपर जब आएंगे आपके तो हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे पेपर के, जिससे क्या है आपके गणित इंटर में 100 में 100 ही नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के लिए धन्यवाद।